हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके हाथ कांपते रहते हैं। हाथ कांपना एक बीमारी भी होती है और ज़्यादा टेंशन ले लेने की वजह से भी हाथ कांपने लग जाते हैं। देखिए, हमारे शरीर का हर एक पार्ट मस्तिष्क से जॉइंट है, तो जब कुछ भी सोचते हैं तो मस्तिष्क के ऊपर जाता है और मस्तिष्क के ऊपर अगर भार होता है तो वो हमारे बॉडी पर दिखने लगता है। तो चाहे जवान हो या वृद्ध हो, जिनके भी हाथ कांपते हैं, हाथ में थोड़ा भी कंपन रहता है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनके हाथ में थोड़ा कंपन रहता ही है, उनके लिए एक उपाय है। जिनका हाथ कांपता है या कंपन थोड़ा भी रहता है, उनको क्या करना है, शंकर भगवान को किसी भी दिन काला तिल अर्पित कर दें। उस काले तिल को चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र, एक समी पत्र शिव जी को चढ़ा दें और फिर बाद में बेलपत्र और समी पत्र को उठाकर शिवलिंग की जलाधारी पर रख दें। यानी शिवलिंग पर जब जल चढ़ाओ तो जहाँ से उसका जल नीचे गिरता है और उसी जहाँ पर जलाधारी होती है, उसी पर आपको वो बेलपत्र और समी पत्र रख देना है। फिर शिवलिंग से काले तिल को उठाकर उसी जगह यानी जलाधारी पर रख देना है। फिर एक मिनट बाद केवल काले तिल को उठा लेना है और उठाकर किसी साफ डिब्बी में रख लेना है। फिर क्या करना है, सुबह उठने के बाद, मुंह धोने के बाद, नाश्ता करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले खाली पेट केवल दो दाने हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने मुंह में डाल लेना है। ऐसा 8 या 9 दिन लगातार करना है। वही काला तिल दो दाना अपने मुंह में खाली पेट खा लेना है और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। फिर देखना, आपका हाथ का कंपन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, आपका हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसा जो जवान है उनको भी होता है हाथ का कंपन, जो वृद्ध हैं उनको भी होता है। तो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।